आज आपको आरोह का पाठा तुलसीदास के जो पद हैं, जो कविता हैं, वो पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ था, जो कि इनकी जन्मतिथि है ये 1532, और जन्म स्थान जो है ये जो है अनुमान के द्वारा ही बताया गया है। और इन ये जो कौन थे, तुलसीदास जी जो हमारा भक्ति काल था, जो हमारा हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है भक्ति काल, उसके सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि सबसे ऊपर कवि थे। तो जो है हमारा भक्ति काल दो भागों में बटा हुआ है, सगुण और निर्गुण, और सगुण भी दो हिस्सों में बटा था, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। इनकी भाषा अवधि और ब्रज है। देखिए, इन्होंने जो तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी का वर्णन किया है, तो अवधि भाषा है और ब्रज भाषा है। और इन्होंने अपनी भाषा को सहज प्रभावी भाषा का प्रयोग किया गया है, सरल हो सहज हो। अब देखिए, इसमें हम ये कवितावली पढ़ेंगे जो कि उत्तरकांड से ली गई है। अब इसमें सबसे पहले मैं हम आपको इसका सार बता देते हैं, जिससे कि आपको भाषा भी समझ में आए, आपको करने में भी आराम रहे। अब देखिए, इसमें पहले इसमें बताया गया है कविता में राम नाम की महिमा का वर्णन किया है, और तुलसीदास जी ने जो किसान हैं, व्यापारी हैं, भिखारी हैं, नौकर हैं, जितने भी हैं काम करने वाले हैं, कोई भी धंधा करने वाले लोग हैं, सभी को वध कहा है कि उन्होंने अपनी पेट के लिए सभी ऊंचे नीचे काम किए हैं, उन्होंने अपने पेट के खातिर अपने बेटे बेटे को भी बेच दिया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम नाम की ही कृपा है जो कि सभी प्रकार की आग को शांत कर सकती है। इन्होंने एक आग का प्रयोग किया है, बड़वाग्नि, जो है जंगल में लगी आग से भी बड़ी होती है, वो होती है हमारी पेट की आग, जो सब आगों से बड़ी होती है। अभी देखिए, किस भी मतलब कोई भी धंधा, किसान हो या बनिक बने व्यापारी हो, भिखारी हो, भाट मतलब जो भाट कौन हो गए, भाट हो गए बड़ाई गाने वाला, पहले राजा महाराजाओं के दरबार में वो उनकी जो है प्रशंसा गाते थे तो वो भाट कहलाते थे, चाकर चाहे वो नौकर हो, चाहे चपल नट हो, चाहे वो नर्तक हो मतलब जो तमाशा दिखाते हैं आजकल, चोर हो, जो चार हो गए गुप्तचर, चाहे वो गुप्तचर हो, चाहे वो जादूगर हो, इन सभी के पास भी क्या पेट को पढ़त, पेट के खातिर है, गुण गढ़त, सभी के गुण गाने के लिए भी तैयार थे, चढ़त गिरी हर काम करने के लिए तैयार थे, अटत गहन गन अहन अखेट की, वो जो है वो भी सभी काम करने के लिए तैयार थे, मतलब अखेट की शिकार वगैरह करके अपना पेट भरने के लिए सभी काम करने के लिए तैयार थे, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, वो ऊंचे नीचे अच्छे बुरे सभी काम धर्म अधर्म सब करने को तैयार थे, किसके लिए, पेट के लिए, पेट ही को बचत, पेट को ही पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए बेचत बेटा बेटी, अपने बेटे बेटी तक को बेच देते थे। उस समय इतनी दुर्दशा थी, इतनी हालत ख़राब थी कि वो सभी तरीके हर कोई हर तरीके का काम करने के लिए तैयार था। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, आगे बड़े वागी थे, बड़ी है आगे पेट की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो ये पेट की अग्नि है, जो बड़वाग्नि से भी बड़ी है पेट की आग, उसको तो बस केवल एक राम नाम की कृपा के बादल ही शांत कर सकते हैं, एक राम नाम ही शांत कर सकता है, जिससे कि हमारी पेट की अग्नि तो क्या सभी प्रकार की आग शांत हो सकती है। अब देखिए दूसरे कविता में, ये जो दूसरा है इसका पहले सार समझ लेंगे, देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से दूसरे का भी। इस कविता में तुलसीदास ने अपने युग की लाचारी बेरोजगारी के बारे में बताया कि जो समय जो उनको दिखाई दे रहा था उस समय क्या क्या परेशानियां थी उसके बारे में बताया है, कि किसी के लिए भी कोई भी काम नहीं था, ना खेती के किसान के लिए खेती थी, ना भिखारी को भीख मिलती थी, नौकरों को भी काम नहीं मिल रहा था, सभी का काम खत्म हुआ हुआ था। तुलसीदास जी ने
इस समय भी राम नाम का ही भरोसा दिलाया है कि राम नाम का ही एक भरोसा है। दरिद्रता उस समय सबको गरीबी रूपी रावण ने अपने चंगुल में फंसा रखा था। अब देखिए खेती न किसान को, किसान के लिए उस समय का समय बताया है इन्होंने, जिस समय किसान के पास न खेती थी, खेती करने के लिए किसान के पास खेती भी नहीं थी करने के लिए, भिखारी को ना भीख, भिखारी को भीख भी नहीं मिलती थी, बलि बनिक के को बनिज और ना ही व्यापारी को के पास धंधा था, न चाकर को चाकरी ना ही नौकरों को नौकरी मिल रही थी। जीविका विहीन लोग सीग माग सोच बच, जो जीविका विहीन हैं लोग, जिनको अपना पेट का पालन करने के लिए भी लोगों के पास कोई भी काम नहीं था, सब सोचते रहते थे, कहे एक करण सो कहाँ जाई का करी, सभी सोचते विचारते रहते थे, सभी एक ही चीज़ सोचते थे कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरीके से हम अपना गुजारा करें। वेद हो पुराण कही लोग कही बिलोक, जो है वेद पुराणों में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि केवल एक राम नाम का ही भरोसा था, लोग कही बिलोक, क्योंकि सब लोग एक ही चीज़ देख रहे हैं संसार के सभी लोगों को, साकरे सभी पे राम राम ने कृपा करी, तो कह रहे हैं कि सभी लोगों पर केवल एक राम नाम की ही कृपा हो सकती है, जो रावण पर भी ये ना राम रे कृपा, जो हम सब पर कृपा कर सकता है। दारिद गदास्तानन दबाई दुनि दीन बंधु दुरित दहन देख तुलसी हा हा करी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय लोगों को दरिद्रता रूपी रावण ने अपने चंगुल में बुरी तरीके से फंसा लिया था, उस समय का समय ऐसा था, तो इस संकट में भी तुलसीदास जी राम पर ही भरोसा, राम की कृपा पर ही भरोसा दिखा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है धूत कहो अवधूत कहो, इसका पहले सार समझ लीजिए। तुलसीदास जी लोगों की आलोचना निंदा को ठोकर मारते हुए कहते, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, राजपूत कहे, जुलाह कहे, कोई कुछ भी कहे, मुझे किसी से क्या मतलब है, मुझे कौन सा अपने बेटे या बेटी की किसी से शादी करनी है, जो मैं किसी की भी जाति का ख्याल रखूं, मैं तो अपने राम का ही भक्त हूँ, मांग कर खा लेता हूँ, मस्जिद में सो जाता हूँ, मुझे दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर समझ में आएगा अब आपको, धूत कहो अवधूत कहो राजपत कहो जोलाहा कहो कोई, चाहे मुझे धूर्त कोई भी मुझे धूर्त कहे, चाहे मुझे कोई अवधूत कहे, सन्यासी मतलब अवधूत मतलब सन्यासी, चाहे कोई मुझे सन्यासी कहे, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे, चाहे कोई मुझे जुलाहा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ ना सोई, मुझे किसी के साथ भी, काहू की बेटी सो मुझे किसी के साथ ना तो अपनी बेटी की शादी करनी है ना बेटे की शादी करनी है, बेटा ना ब्याह ना ही मुझे बेटे की शादी कही करनी है। काहू की जाति बिगाड़ ना सोई, मुझे किसी की जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसी सरनाम गुलाम है राम की, तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो केवल एक राम का ही गुलाम हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु होई, जो मुझे अच्छा लगता है मैं तो वही करता हूँ, मुझे किसी से भी कोई मतलब नहीं है। मांग के खेबो मांग कर तो मैं खाता हूँ, मस्जिद को सोईबो मस्जिद में सोता हूँ, लेवी को एक ही न देवी को दोई, न मुझे किसी से एक लेना है न किसी से मुझे कोई किसी को कुछ देना है, मतलब मुझे दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है। देखिए अब आपको ये समझ में आया होगा, अब देखिए आगे चलते हैं। अब ये जो आगे का अंश है हमारा, ये लक्ष्मण मूर्छा और राम मिला, इसमें जो है जब युद्ध हुआ था तो लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए थे, तब रामचंद्र जी किस तरीके से विलाप करते हैं उसके बारे में बताया गया। देखिए इसमें युद्ध बताया गया और हनुमान जी बूटी लेने गए हुए, उन्हें जो देरी हो रही है तो उसके बारे में इसमें बताया गया। अब देखिए तव प्रताप उरी राखी प्रभु जेहु नाथ तुरत, अस अहि आयसु पाई पद पर बंदी चलेउ हनुमत। तो उस समय अपने हृदय में प्रभु का जो है प्रताप लेकर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, और जो है वहाँ पर जो वो जा रहे थे तो भरत ने उन्हें नीचे उतार लिया था, तो उसके बाद जो आशंक दूसरे उधर जो है फिर आधी रात बीत गई थी,
यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए तव प्रताप, तो हृदय में हनुमान जी हृदय में प्रभु के अपने प्रताप लेकर जा रहे थे। अस यही आयुषी पाई पद कर बंदी चले हनुमान, तो हनुमान जी चले जा रहे थे। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पर प्रीति अपार, तो भरत जी ने उन्हें नीचे जब उतार लिया था तो भरत के बाहुबल की प्रशंसा करते हुए, तो उन्हें पता चला था कि भाई ये तो सारी चीज़ें उन्होंने जान ली थी कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ हुई है, तो उन्होंने उतार के गोस्वामी जी इसमें कह रहे हैं, इस पद में कह रहे हैं कि हनुमान जी से परिचय जानकर, हनुमान जी से जब किसने परिचय जाना था, भरत जी ने परिचय जानकर जाना था, तो उन्हें सारी संगत पता चला था, तो उन्होंने क्या करा, भरत जी ने उनसे कहा कि तुम, मैं बाण पे बैठा कर तुम्हें तुरंत ऊँचा दूंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मेरे अंदर मैं जो हूँ क्या कहते हैं, प्रभु का मेरे अंदर इतना प्रताप है कि मैं शीघ्र ही पहुँच जाऊँगा। तो भरत के बाहुबल की प्रशंसा करते हुए और मुँह में बार बार पुनि पुनि पवन कुमार हनुमान जी जो बार बार भरत जी की प्रशंसा करते हुए चले जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये देखिए नेक्स्ट, उहां राम लक्ष्मणी निहारी, ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहां उहां राम लक्ष्मणी निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी, उधर राम लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, तो रामचंद्र जी और हनुमान जी को आने में देर हो रही है, तो किस तरीके से रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं, तो बार बार कहते तुम उठते क्यों नहीं, तुम इस तरीके से कैसे छोड़ के चले जा रहे हो मुझे। तो उधर दूसरी तरफ रामचंद्र जी लक्ष्मण को देख रहे हैं और अपने भाई को किस तरीके से बोल रहे हैं, अनुसारी मनुज अनुसारी मनुज की तरह किस तरीके से विलाप कर रहे हैं। अर्धरात्रि गई कभी नहीं आयु, आधी रात बीत गई है लेकिन अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। राम उठाए अनुज पर लायो, रामचंद्र जी अपने भाई को बार बार उठाकर गले लगा रहे हैं और विलाप करते जा रहे हैं। सकहो ना दुखित देखी मुन कऊत, कि तुम कभी भी मुझे जो है दुखी नहीं देख सकते थे, बंधु सदा तब मुकुल सुबाई, तुम तो हमेशा जो है मेरी भलाई चाहते थे, हमेशा मेरे भले के लिए काम करते रहते थे। मम हित लागू तेज ही मितु माता, तुमने मेरी भलाई के लिए मेरे लिए माता पिता को भी छोड़ दिया। सहु विपन हिम आ तप बाता, और तुमने जो है मेरी सभी परेशानियों को अपने ऊपर झेला है, तुम जो है मुझे भी कभी भी दुखी नहीं देख पाए, और तुमने सभी जंगल के सर्दी तूफान से भी तुमने मेरे लिए झेले हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, तो वो अनुराग अब कहाँ है, वो प्रेम अब भाई कहाँ है, उठाओ न सुनी मम विच विकलाई, तुम मुझे इतना व्याकुल देखकर भी क्यों नहीं उठ रहे हो। जो जनते हु बन बंधु बिछोहु, जो भाई का तड़फना है, जो मुझे तुम इस तरीके से अकेला जंगल में छोड़ रहे हो, पितु वचन मनते नहीं हुई, तुम पिता के समान मेरे वचनों का पालन करते थे, आज क्यों नहीं मान रहे हो, आज क्यों नहीं मेरे बातों को सुन रहे हो, हे भाई मेरे लक्ष्मण तुम उठ जाओ। फिर अब नेक्स्ट देखिए, इसमें इन्होंने बताया है कि जो है भाई के को सबसे बड़ा बताया है कि भाई की महिमा, क्यों भाई जो है संसार में केवल एक ही होता है, बाकी सब कुछ तो आते जाते रहते हैं, हर चीज़ मिल जाती है, कि मेरी स्थिति तुम्हारे बिना किस तरीके से हो रही है। इस उसमें सुत बित नारी भवन परिवारा, इसमें रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जो है संसार में पुत्र और पत्नी घर परिवार सभी चीज़ हो ही जा ही जग बारी बारा, उस संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। उस बिचारी जी जागुताता, ये सब विचार करके तुम जाओ, मिले ही न जगत सहोदर भाता, कभी भी सगा भाई दोबारे नहीं मिल सकता, ये सोचकर तुम उठ जाओ भाई। जथा मेरी व्यथा किस तरीके से हो रही है, मैं किस प्रकार से हो रहा हूँ। जथा पंख बिनु खगति दीना, जिस प्रकार से पक्षी बिना पंख के अति लाचार हो जाता है, अति दीन हो जाता है। मनी बिनु फनी करी बर कर हीना, मणि के बिना नाग और सूंड के बिना हाथी हो जाता है, मेरी भी दशा उसी तरीके से हो रही। असमस जीवन बंधु बिन तो ही, उसी प्रकार से तुम्हारे बिना मेरा जीवन हो रहा है। जो जड़ देव
जो जड़ देव जियावे में ही, तो तुम क्यों नहीं अब उठ रहे हो भाग्य के भरोसे? तुम जो है मुझे अकेला क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? मेरी स्थिति इस प्रकार से दयनीय हो गई है। जे अवध कवन महु लाई, नारी है ते प्रिय भाई गवाई। अगर मैं तुम्हें अकेला अयोध्या जाता हूँ तो वहाँ पर क्या होगा? सब लोग क्या कहेंगे कि नारी के लिए उसने अपने, तुम जो है मैंने अपने प्यारे भाई को भी खो दिया है। बरु अपजस सहित जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मैं सभी प्रकार के अपयश संसार में झेल सकता हूँ और नारी की हानि भी में भी कोई विशेष क्षति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हानि नहीं झेल सकता। मैं तुम्हें जो है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे जो है मूर्छित होने से तुम्हारे बिना मैं मतलब नहीं जा सकता और मैं तुम्हारे खोए का अपयश नहीं झेल पाऊँगा। और न इसके लिए नारी तुम्हारी नारी की हानि भी कोई बड़ी हानि नहीं है। अब ये देखिए नेक्स्ट में, अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने भाई के वियोग का जो वर्णन किया गया है कि किस तरीके से वो प्रलाप कर रहे हैं रामचंद्र जी, उसका वर्णन मिलता है इसमें। इसमें देखिए, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा। अब मेरा ये जो हृदय है, हे भाई जो तुम मुझे हर तरीके से दुख दे सुख देते थे, मैं तुम्हें अपनी व्यथा किस प्रकार सुनाऊं? कि तो तुम्हारा जो तुम्हारे खोने के बाद जो है मेरा जो है कठोर हृदय, निष्ठुर और कठोर हृदय, मैं तो एक तो तुम्हें खो चुका हूँ, उससे जो मुझे अपयश मिलेगा, और उसके बाद जो है मैं अपनी पत्नी को भी खो चुका हूँ, दोनों को खो चुका हूँ, दोनों का दुख मैं किस प्रकार से सहन करूँगा? निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी तात तासु तुम में प्राण अधारा। तुम जो है अपनी माता के एक ही कुमार थे और जो है तो माता के एक ही कुमार थे और अपने माता के प्राणों के आधार थे, पिता के माता पिता के जो है तुम्हें प्राणों के आधार थे। सोपे से ही मोह तुम्हें ही गानी पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उन्होंने सभी प्रकार का हित जानकर, तुम्हारा भलाई जानकर, उन्होंने मुझे तुम्हारे हाथ को मेरे हाथ में सौंपा था, कि तुम्हारी भलाई जानकर ही उन्होंने मेरे साथ तुम्हें भेज दिया था। उतरो काई देहु तेह जई, उठी किन मोही सिखायो भाई। और समझाते थे अयोध्या जाकर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा, ये सब सारे उठी किन मोही, और तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? तुम सभी प्रकार की मेरी व्यथा दूर करो, मेरी परेशानी दूर करते हुए उठ जाओ। बहुबीति सोचत सोच विमोचत, सतव सलिल राजीव दन्नोचत। तो जो है कह रहे हैं कि अनेक प्रकार से, बहुविधि अनेक प्रकार से सोचते विचारते रामचंद्र जी की आंखों में से, इस प्रकार से अनेक प्रकार से उनके विचार आ रहे थे उनके मन में, कि भाई किसी किस तरीके से मैं दुख हो रहा है, वहाँ क्या मुँह लेके जाऊँगा, क्या सब सोचते हुए उनके कमल समान नैनों में आंसू बह रहे थे। उमा एक खडन रखुराई, शिव जी कह रहे हैं, उमा को कह रहे हैं, देखो जो कि पूरे अखंड को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, नर गति भगत कृपालु दिखाई। वो अपने भक्तों को किस प्रकार से मनुष्य की तरह विलाप करते हुए कैसी अपनी लीला को दिखा रहे हैं, कि देखो कि जो है भगवान भी जब संसार में आते हैं तो उन्हें भी सब प्रकार के दुखों को झेलना पड़ता है, तो आम मनुष्य की तो बात ही क्या है। अब ये देखें नेक्स्ट, ये हमारा है सोरठा छंद। इसमें है, प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर। इसमें जो है हनुमान जी दुख हो रहा है, हनुमान जी नहीं आए हैं तो सभी बंदर व्याकुल हैं और अपने भगवान को देखकर जो है वो इस तरीके से विलाप कर रहे, तो सब बंदर जो है व्याकुल हो गए, और एकदम से जब हनुमान जी दिखाई दिए आते हुए तो सब में कितना वीर रस का उत्साह सब में पैदा हो गया, खुशी के चालू हो गए। अभी देखिए, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर, जो प्रभु के प्रलाप के है, प्रभु के दुखी को, अपने प्रभु को दुखी देखकर सभी बंदर भी व्याकुल हो गए।
आई गयो हनुमान जी मी करुणा मह वीर रस। जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को आता हुआ देखा तो उस करुणा भरे दुख भरे माहौल में प्रसन्नता के खुशी वीर रस का उत्साह वीर रस सब में जागृत हो गया। सभी खुश हो गए, सभी बंदर और सभी लोग खुश हो गए। हर सी राम भेटो हनुमाना, इसमें जो है रामचंद्र जी ने फिर उन्हें गले लगाया और ये कहा कि तुम मेरे भाई के समान हो, और उन्होंने जड़ी बूटी दी तो वेदों ने उसे इलाज किया और फिर उन्हें घर पहुंचाया। अब देखिए हरि श्री राम भेटो हनुमाना, रामचंद्र जी ने खुशी के साथ हनुमान जी से भेंट की। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, कि मैं तुम्हारा बहुत अधिक आभारी हूँ। तुरंत वेद सब की नहीं उपाय, तुरंत ही वेद ने सभी उपाय किए। उठे बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता, कि जो है सभी ने हनुमान जी ने भाई से भेंट की, हनुमान जी और प्रभु ने भाई से भेंट की, आपस में सब मिले और सभी चाहे भालू थे बंदर थे सभी लोग खुशी से सभी लोग खुश हो गए। कपि मुनि वेद तहां पहुंचाना, और हनुमान जी ने वेद को जहां से लाए थे वहां पहुंचाया। जय विधि तभी लाई लई आवा, और जिस प्रकार से सभी पर्वत लाए थे जड़ी बूटी के लिए पर्वत उठा लाए थे उसे भी वहीं पर पहुंचाया। यह वृत्तांत दशानन सुनी, जब यह वृत्तांत यह बात रावण ने सुनी, अति विषाद पुनि सिर धुनई, तो उन्होंने बहुत अधिक दुख करते हुए रावण ने बहुत अधिक दुख करते हुए बार बार अपना सिर धुनने लग गया, बहुत अधिक परेशान होने लग गया। व्याकुल कुंभकर्ण पाही आवा, तब वो बेचैन होकर कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करिता ही जगावा, और अनेक प्रकार के प्रयत्न करके अनेक कोशिश करके उसने कुंभकर्ण को उठाया। अब देखें यहाँ पर जब वो कुछ नहीं कर पाया था तो उसने कुंभकर्ण को उठाया, तो जब कुंभकर्ण ने बात सुनी तो उसने क्या बात कही। जागा निशिचर देख कैसा, जब वो कुंभकर्ण उठा तो कैसा दिख रहा था। मानहु काल देह धरि बैसा, कि मानहु मृत्यु ने शरीर को धारण कर लिया हो, इतना बड़ा इतना भयंकर कुंभकर्ण दिख रहा था। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, कही तब भुख रहे सुखाई। जब कुंभकर्ण उठा तो उसने पूछा, क्यों भाई इस ऐसा में तुमने मुझे क्यों उठाया, क्या बात हो गई, काहे किस क्यों तुम दुखी हो, तुम्हारा ये जो मुख किस पर क्यों दुखी है, किस कारण से दुखी है जो मुझे तुम्हें ऐसे में उठाना पड़ा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण जो है अधिकतर सोता रहता था, 6 महीने सोता था या 6 महीने जाता, क्योंकि वो बहुत अधिक खाता था तो इसलिए उसे वरदान मिला हुआ था। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। फिर जो है अभिमान में रावण ने सारी कथा कह दी कि किस प्रकार से उसने सीता को उठा लाया है, किस प्रकार से हर लाया है सीता को। तात कपि ने सब निशिचर मारे, महा महा योद्धा संधारे। तब उसने कहा, रावण कह रहा है कि किस प्रकार से तुम्हारे भाई हैं और बहुत सारे निशिचर बहुत सारे राक्षस मार दिए हैं बंदरों ने, और बड़े बड़े योद्धा मार दिए हैं। नाम दिए इसमें दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपरस महोदर आदिक बीरा। ये सारे जो है नाम है राक्षसों के नाम थे जिन्हें मार दिया है। परे समर मही सब रघु रणधीरा, कि सभी जो है युद्ध में मारे गए हैं, कि तुम्हारे कितने भाई हैं और कितने जो हैं बड़े बड़े ये राक्षसों के नाम दे रखे हैं, दुर्मुख सुर रूपी मनुज भट अतिकाय कंपन महोदर आदिक, ये सब जितने भी वीर थे बड़े बड़े योद्धा थे सभी को इन लोगों ने मार दिया है। अब देखो आगे लास्ट है ये हमारा, इस दोहे में क्या बताया गया है कि तू क्या कह रहा है। कुंभकर्ण ने जब सारी बातें रावण की सुनी तो उसने क्या कहा, सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जब उसने दसकंदर मतलब रावण के सारे वचनों को सुना तब कुंभकर्ण बहुत बिलखान माने दुखी हो गया। जगदम्बा हरियाणी, तुमने जो है जगदम्बा को उठा लाए हो, तुमने जगत जननी जगदम्बा जो कि पूरे
लक्ष्मी जी को ही तुम उठा के ले आए हो। अब सट चाहत कल्याण, और अब तुम किस प्रकार से अपना कल्याण चाहते हो? तुम्हारा तो कल्याण अब हो ही नहीं सकता, जब तुमने जगत जननी को तुम उठा लाए हो, तो तुम कल्याण किस प्रकार से चाहते हो? तो वो कहने लगा कि तुमने तो बहुत बुरा काम किया है, अब तुम अपने ही भलाई चाहने लग रहे हो। तो जो है यहाँ पर ये बात कुंभकर्ण ने कही। तो अभी देखिए आप, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।